पता नहीं कब जाएंगे और की, और जानता है किसके लिए है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? करवा चौथ का नेक्स्ट डे है आज और मैं अभी पूजा कर ली हूँ, और पूजा करने के बाद वहाँ से जो भी चीज़ें थी वो सब मैं हटाई हूँ, और यहाँ मैं सासू माँ को जो सामान था ना उसको मैं पैक करने जा रही हूँ। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करी है कि मैंने क्या क्या लिया था, बस इसको ना मैं पैक, इसमें कपड़े नहीं है, कपड़े की जगह मैंने पैसे रख दिए हैं क्योंकि पता नहीं कब जाएंगे, और वैसे भी जब जाते हैं तो कपड़े तो लेके जाते ही हैं मम्मी जी के लिए। तो ये दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया था, बाकी उसके बाद मैं इस थैले में इसको पैक कर दूँगी। और यहाँ मैंने लिया था ऑयल, मेहंदी, और ये है हैंकी, और सिंदूर, ये हो गया बिंदी, और ये ना मैंने शीशा और कंघी जो होता है ना, इसको क्या होता है ना, ये पर्स में यूज़ हो जाता है बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैंने इसको एक ही में का ले लिया है ताकि कहीं जाओ तब यूज़ हो, क्योंकि बड़ी वाली कंघी जो है और शीशा वो मैं हमेशा ही देती हूँ उनको। और ये हो गया आलता, और ये जॉय का मॉइस्चराइज़र जो मम्मी जी यहीं यूज़ करती हैं, ये जॉय वाला मॉइस्चराइज़र, तो इसलिए मैंने यहीं रखा है। और साथ में ये बिंदी नेल पेंट रेड कलर का, वो नेल रेडी लगाती हैं, एंड काजल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रखना। साथ में ये पाउडर है, और ये है बैंगल्स, एंड पैसे में चढ़ाई थी तो इसको भी मैंने इसमें ही रख दिए हैं पैसे भी, तो ये सारी चीज़ें थी उनके लिए। तो चलिए इसको पैक कर देते हैं अभी। जानता है किसके लिए है? किसके लिए है? दादी के लिए। हाँ, सुन लिया, स्पर्श किए दादी के लिए, भाई दादी और दादाजी स्पर्श के फेवरेट हैं, मम्मा पापा से भी ज़्यादा इनके फेवरेट जो है ना वो दादा दादी हैं, इतना इनको प्यार है ना दादा दादी से, है ना स्पर्श, है ना? तो ये दादी के लिए, आपकी दादी के लिए सामान मम्मा रखती पैक करके। ओके, जाओगे क्या दादी के पास? जाओगे दादाजी के पास? अब नहीं बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है अब स्पर्श। क्या लाए हैं? अखरोट? वो क्या लाए? नारियल पानी क्यों नहीं लिया अपने लिए? ये नारियल पानी मिलता है कहाँ? अभी यहाँ पे अब जाएंगे उधर तो फिर बोलेंगे कि बहुत टाइम लगाते हैं। एक दिन बोल दिए बहुत टाइम लगाते हैं तो रोज रोज ठंड एक दिन कम होता है क्या? बिरयानी पॉट इसके नीचे है। हे एवरीवन, तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ किचन से रिलेटेड एक प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और इसमें खाना भी कुक करके दिखाऊंगी कितने अच्छे से इसमें खाना भी कुक होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और जो लोग बिरयानी वगैरह के शौक रखते हैं ना उनके लिए तो ये प्रोडक्ट बेस्ट है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये है प्रोडक्ट, एंड दोस्तों ये है नॉन स्टिक बिरयानी पॉट जो कि आप देख सकते हो, ये इसका ना ये हमें मिल जाता है ग्लास लिड के साथ मिल जाता है, ये इसका लिड है, तो ये कवर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है और इजी टू क्लीन है, साथ ही साथ ये स्टेन फ्री है। ये देख सकते हो कितने बड़े साइज में आ जाता है, और बिरयानी बहुत ही इजीली इसमें बहुत अच्छे से बनेगा। और इसके साथ ना ये अगारो ब्रांड का है, तो अगारो ब्रांड के मतलब जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं ना ऑलमोस्ट बहुत जितने भी प्रोडक्ट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, एंड इसमें खाना भी बहुत हेल्दी कुक होता है। तो ये देख सकते हो इसके जो बैक साइड है कुछ इस तरीके से, बहुत फास्ट हीट होता है, बहुत जल्दी कुक होता है खाना इसमें, एंड इसके साथ हमें दो हैंडल मिल जाते हैं जिससे ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी, अगर हम इसको पकड़ के थोड़ा सा भी इसमें स्पैचुला की हेल्प से कुछ भी इसमें हमें मिक्सिंग करनी हो तो भी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पॉट वगैरह गर्म हो जाते हैं तो ये वाला इशू नहीं आने वाला है। और साइज़ तो बहुत ज़्यादा है इसमें, कम से कम ना 10 से 15 लोगों का बिरयानी आराम से बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके साथ जो लिड आया है ना, ये लिड देख सकते हो, इसके साथ भी ये हैंडल अच्छा सा ग्रिप बनने के लिए दिया हुआ है, और आप इस कुकवेयर को ना गैस पे भी आप इस पर कुक कर सकते हो, मतलब गैस पे रखते भी आप इसमें कुक कर सकते हो खाना, एंड साथ ही साथ आप इसमें
आप इसको इंडक्शन में भी कुक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बिरयानी बनाओ, और भी बहुत सारी चीजें बना के आप बना सकते हो। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ना बहुत अच्छा ग्लास लिड भी दिया हुआ है, जिससे हमें अलग से कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा जो बर्तन है वो फिट आएगा हमको इसको कवर करने के लिए। तो चलिए गाइस, बैक कैमरे से इसकी सारी डिटेल दिखाती हूँ किस तरीके से यूज करना है, एंड इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बैक कैमरे से सारी डिटेल बताती हूँ। तो गाइस, ये गारो का एलिगेंट नॉन स्टिक बिरयानी पॉट है, विद ग्लास लिड के साथ आता है, 26 सेंटीमीटर डायमीटर है, 5.5 लीटर की कैपेसिटी है, कैपेसिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है, नॉन स्टिक ही इसका कोटेड है, साथ ही साथ एल्युमिनियम पॉट है, साइड हैंडल दिया हुआ है, गैस एंड इंडक्शन दोनों पे आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं बनाती हूँ पनीर दम बिरयानी, वो भी इंस्टेंट तरीके से। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डाल दी हूँ मस्टर्ड ऑयल, देन मैं इसको अच्छे से कुक करूँगी पनीर को। पनीर मैंने डाल दिया है, अच्छे से दोनों साइड से सेक लूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, और थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला भी इसमें ऐड कर दिया, बस पनीर में ज़रा सा चिटकी भर डालना है, बस ज़्यादा नहीं। और मैं उसके बाद ना ऑनियन को इस तरीके से भून ले रही हूँ, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं उतना कम ऑयल वाला बना रही हूँ। तो मैं ऑनियन को अच्छे तरीके से भून के और मैं निकाल लूंगी। एंड दोस्तों बिरयानी पॉट के अलावा आपको अगारो के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर, साथ ही साथ ग्लास लिड वाले जो भी ग्लास होते हैं या फिर बाउल होते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। इन बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं तो आप ले सकते हैं। और यहाँ देखिए मस्टर्ड ऑयल डाली, जीरा डाली, और सारे खड़े मसाले मैंने चकरी डाला है, इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देन इसको थोड़ा सा ना कलर चेंज होने तक मैं पकाऊंगी। देन मैं इसमें ऑनियन डाल दे रही हूँ, उसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। ये थोड़ा सा ना जैसे पुलाव होता है ना, पुलाव भी आप इसमें बना सकते हो, तो ये पुलाव वाला है। उसको दोस्तों मैं इसमें मटर ऐड कर दी हूँ, इसको भी अच्छी तरीके से भून लूँगी। देन मैंने इसके बाद राइस भी वॉश करके रख ली हूँ, और इसको थोड़ा सा मैंने कुक कर लिया। और हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करी हूँ जो बीन्स आता है ना, बीन्स को एकदम बारीक मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया था, मटर के बराबर बराबर ही। देन इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। एंड गाइस, इसका कूल टच हैंडल दिया हुआ है ना, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है इसमें खाना कुक करने में, साथ ही साथ कम ऑयल में भी खाना बन जाता है। 5 लेयर नॉन स्टिक कोटिंग दी हुई है, उसके बाद मैं इसमें जो राइस वॉश करके रखी थी उसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। एंड इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाली। अगर आपको वेज पुलाव बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डाल देना, और मैं इंस्टेंट वाला ये बना रही हूँ, आप इसको वेज पुलाव भी बोल सकते हो। और देख सकते हो उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर डाला, देन इसको मैं कुक करने के लिए छोड़ दे रही हूँ, राइस वगैरह सब कुछ डालकर। और यहाँ पर कुक हो चुका है, बहुत ही यम्मी सा पनीर देख सकते हो, इतना अच्छा कलर आया है ना, और बहुत टेस्टी खाना इसमें बनता है। और मैं बस इसको निकाल ले रही हूँ खाने के लिए। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। और अभी नेक्स्ट डे का है, कुछ शूट नहीं की थी उस दिन। एंड यहाँ पे ना ये सोफ़ा कवर गंदा हो गया था, ये मैं ली थी, बहुत सुंदर लगता है देखने में, वाइट कलर है, बट गंदा भी उसी इतनी जल्दी होता है ना कि ऐसा लगता है कि बस हटा दो, 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं बिछा पाती हूँ। तो मैं अभी चेंज कर दे रही हूँ, फिर इसको दिवाली पर, या फिर दिवाली में एक और नया रखी हूँ उसको मैं वो करूँगी, बिछाऊँगी। तो इसको मैं निकाल के और फिर मैं मशीन में डाल दूँगी, वॉश हो जाएगा। और ये इतना सॉफ्ट है ना, वॉश करने के बाद इतना ज़्यादा शाइन आ जाता है इसमें। और ये वेलवेट फैब्रिक वाला है, तो वेलवेट फैब्रिक वाले जो भी कुशन या फिर सोफ़ा कवर होते हैं ना, बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने सोच के ही लिया था। चलो वाइट है, कोई नहीं, साफ़ भी हो जाता है, मशीन में थोड़ा सा शोक कर दो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। देन इसको मैं ले जाऊँगी। सोफ़ा कवर आधा सूखा था और आधा सूखा ही नहीं था, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, जब सूख जाएगा तो उसको डाल दूँगी। एंड यहाँ पर स्पर्श भी कर रहा है, पढ़ाई देख सकते हैं। सोफ़ा कवर नीचे वाला भी छा दी, ऊपर वाला सूखा ही नहीं था, तो क्या था ना, थोड़ा सा जो हाफ़ दो बार मैं इसको वॉश की थी, क्योंकि मोटा मोटा फैब्रिक वाला था ना, तो सूखा नहीं था, इसीलिए ऐसे दिक्कत हो गई है थोड़ी। और इस पर होमवर्क फटाफट से भी कर रहा है अपना। क्या कर रहा है स्पर्श? स्पर्श मामा से डर रहे, मामा ऑयल लगा लिए तो। ये स्पर्श मामा से डर रहे हो, मामा ऑयल लगा लिए तो। इतना डरोगे? मामा ऑयल लगाइए, परफ्यूम नहीं, ठीक है? तो गाइस, स्पर्श ना मुझसे डर रहा है। स्पर्श मुझसे डर रहे हो ना? मैं ऑयल लगा ली हूँ कोकोनट ऑयल, तो इसको स्मेल आ रहा है, तो डर रहा है। मैं पेट दर्द कर रहा है जोर से। हाँ,
एंड गाइज उसके बाद ना ये मॉर्निंग टाइम का है, सुबह सुबह 3 दिन का ये ब्लॉग है, मैं शूट नहीं कर पाई थी। एंड सुबह सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ बाहर, और जैसे ये ऑफिस चले गए ना तो आज इनको ऑफिस भी नहीं जाना था, वो आगे के ब्लॉग्स में ना नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा क्या हुआ। एंड सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ, कल लगाई थी बट पता नहीं इतना सारा डस्ट आ गया था ना, कि इधर पता क्या होता है दिक्कत ये हो जाती है ना, अगर इधर झाड़ू नहीं लगता है बाहर साइड तो हम ना इधर से बार बार निकलते हैं अंदर जाते हैं तो अंदर का हमारा जो हॉल है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह करना सबसे पहले लगता है कि क्लीनिंग करना ज़रूरी है। देन अभी किचन में आ चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और सबसे पहले मैं रात में ही भिंडी को वॉश करके और रख दी थी तो ड्राई हो जाता ना, फिर कट करने में चिपचिपा नहीं होता है, तो बस यहाँ पे काटते जा रही थी, कढ़ाई में डालते जा रही थी, वो भुन रहा था, और ड्राई वाली सब्ज़ी भिंडी की बना रही हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी इनको भी पसंद है, स्पर्श को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस इन लोगों का फेवरेट है, सोचे कि चलो बना ही देती हूँ। और कई बार तो बनाती हूँ बट ये ड्राई वाली सब्ज़ी ने स्पर्श को ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभी खुशी मतलब इन लोगों की खुशियों के बारे में सोचना पड़ता है कि किससे ये लोग खुश जाएंगे। देन उसके बाद ना ये सब्जी तो बन ही रही है, उसके बाद काउंटर टॉप साथ ही साथ गैस स्टोव ये सब मैं क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद नहीं की थी, बस इनको चाय बना के मैं दे दी थी और ये चाय पी लिए हैं। पाइप लगा रही कार धोना है तो पाइप लगा रहे हैं, मैंने सुबह सुबह ना सारे वो कर दिए हैं, क्या बोलते हैं ये सोफ़ा कवर वॉश कर दी थी आपने, इस टाइम डाल दी है, और प्लांट्स में ये पानी डाल रहे हैं। तुम उठ के बैठी हो इस पर, तब से बैठी ही हो उठ के। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, ये ब्लॉग छोटा सा कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।